गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. सो नाउ वी विल कंटिन्यू फ्रॉम आवर लास्ट टॉपिक विच वॉज डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल. नाउ टुडे वी विल सी सम मोर डिफिकल्ट एग्जाम्पल्स फ्रॉम एग्जाम्पल एंड फ्रॉम एक्सरसाइज ऑल्सो. ओके, सो हियर वी हैव टू अरेंज द डिवाइडेंड और डिवाइजर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर. सो हियर वी हैव बीन गिवन डिवाइडेंड एज 3x² माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5. सो इट इज़ नॉट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द हाइएस्ट पावर. अब ये सब में हाइएस्ट पावर वाला टर्म कौन सा है? सेकेंड वाला. देयर फॉर वी विल राइट इट एज अ फर्स्ट टर्म. सो फर्स्ट वी हैव रिटन माइनस एक्स क्यूब, देन सेकेंड इज 3x², देन माइनस 3x प्लस 5. ओके, हियर ऑल्सो वी हैव टू राइट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर. मैक्सिमम वाला पावर जो है वो सबसे पहले आएगा. सो फर्स्ट वी विल राइट माइनस x², साइन ऑलवेज टेक केयर करना माइनस x² प्लस एक्स माइनस 1. ओके, सो नाउ हियर फर्स्ट टर्म इज माइनस x², हियर फर्स्ट टर्म इज माइनस x³. सो इसको हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म आ सकता है. देयरफॉर वी मल्टीप्लाई विथ एक्स बिकॉज साइन दोनों का सेम है, राइट? सो एक्स इज मल्टीप्लाई विथ ऑल दीज थ्री टर्म्स. सो एक्स इंटू माइनस x² प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स, राइट? देन चेंज द साइन, x³ कैंसल, 3x² माइनस x² विद इज 2x² माइनस 3x प्लस एक्स. सी प्लस माइनस माइनस बिगर नंबर साइन. Therefore, minus 2x and this plus 5 have been taken downward. Now, first term is 2x², here first term is minus x². So, minus x² को अगर हम minus 2 से multiply करेंगे, then we can get 2x². So, minus 2 is multiplied with all these three terms and written over here. Change the sign, ये plus है तो minus, minus है तो plus, plus है तो minus. 2x² कैंसल, माइनस प्लस ये भी कैंसल, एंड 5 माइनस 2 विच इज 3. सो देयरफॉर आवर कोशंट इज x माइनस 2 एंड रिमाइंडर इज 3. हियर वी हैव ऑल्सो बीन गिवन टू वेरीफाई द डिविजन एल्गोरिदम. वेरीफाई मतलब हमारा जो ये डिविजन एल्गोरिदम है कि डिवाइजर इंटू कोशंट प्लस रिमाइंडर इक्वल टू डिवाइडेंड, वो वेरीफाई करना है. आपके पास सब वैल्यू है, डिवाइजर है और कोशंट वो हमने फाइंड कर दिया, प्लस रिमाइंडर. सो हमने ये दोनों का मल्टीप्लाई किया है. मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? फर्स्ट एक्स इज मल्टीप्लाई विथ दिस थ्री टर्म्स होल ब्रैकेट. एक्स इंटू माइनस x² ये लिखा, एक्स इंटू एक्स यहाँ पे लिखा, एक्स इंटू माइनस 1 यहाँ पे लिखा. देन माइनस 2 इज मल्टीप्लाई विथ ऑल दिस थ्री टर्म और यहाँ पे लिखा है, और लास्ट में प्लस 3. अब जो भी लाइक टर्म है उनका प्लस माइनस करना है. इसमें देखो मैक्सिमम टर्म कौन सा है? x³ अकेला ही है, लिख दिया. अब x² वाले टर्म प्लस x² प्लस 2x² विच इज प्लस 3x² माइनस x माइनस 2x माइनस 3x प्लस 2 प्लस 3 विच इज 5. सो हियर यू हैव गॉट डिविडेंड. सी फ्रॉम द क्वेश्चन डिविडेंड वॉज सेम एज वी गॉट, दैट मीन्स वी हैव वेरीफाइड द डिविजन एल्गोरिदम. ओके, इट इज़ द ओनली सिंगल एग्जाम्पल ऑफ वेरीफिकेशन ऑफ डिविजन एल्गोरिदम. इन एक्सरसाइज देयर इज नॉट अ सिंगल सम ऑफ दिस. ओके, नाउ वी विल सॉल्व सम फ्रॉम एक्सरसाइज. सी पी ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स एंड वी हैव टू फाइंड द कोशंट एंड रिमाइंडर. हियर x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 ऑल गिवन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर. हियर x² माइनस 2. सी हियर x टर्म इज नॉट गिवन. So there are two methods, whether you may write 0x in between or you give space while writing. जैसे कि आपने x को मल्टीप्लाई किया, सो x इंटू x³ हो गया. अब x इंटू 2 करेंगे तो माइनस 2x आएगा. सो वो x वाले के नीचे ही आपको लिखना पड़ेगा. ओके, अगर आपने 0 लिखा है बीच में तो यहाँ पे 0x² हो जाएगा. सो अल्टीमेटली ये टर्म ही नीचे आएगा. सो देयरफॉर नीचे का क्या आया? माइनस 3x² 5 और प्लस 2 विच इज 7x एंड माइनस 3. अगेन यहाँ पे माइनस 3x² है, यहाँ पे x² है तो माइनस 3 से मल्टीप्लाई हुआ. सो माइनस 3x² बीच में x का टर्म तो कोई है नहीं, माइनस 3 माइनस 2 प्लस
प्लस सिक्स, ये कैंसल, 7x एज इट इज, माइनस थ्री माइनस सिक्स विच इज माइनस नाइन. सो अवर क्वेश्चन इज x माइनस थ्री, रिमाइंडर इज 7x माइनस नाइन. अब आपको पता कैसे चलेगा कि यहीं पे हमें रुक जाना है, हम यहीं पे क्यों नहीं रुके, अभी इसके आगे क्यों नहीं किया? तो उसके लिए आपको क्या चेक करना है कि जो भी आपका डिवाइज़र है, मतलब आपने जो डिवीजन के बाहर लिखा है यहाँ पे, उसकी पावर टू है, अगर यहाँ पे उसकी कम वाली पावर आ जाए देन वी हैव टू स्टॉप. ओके, यहाँ पे कम वाली पावर नहीं थी, सेम पावर थी, देयरफॉर वी कंटिन्यूड डिवीजन. सो अगर उसके कम वाली पावर आ जाए, मतलब यहाँ पे वन आ गई, देयरफॉर आपको समझ आना है कि यहाँ पे आपका सम खत्म हो गया और यू हैव गॉट रिमाइंडर. ओके, सो योर क्वेश्चन इज एक्स माइनस थ्री एंड रिमाइंडर इज 7x माइनस नाइन. दिस वे आंसर मस्ट बी रिटर्न फाइनली. नेक्स्ट वन, एक्स फोर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव, हियर एक्स क्यूब टर्म इज नॉट गिवन एंड हियर यू हैव टू चेंज द ऑर्डर. एक्स स्क्वायर आगे लिखना है और प्लस वन पीछे आएगा. देख लीजिए आप सम किस तरह किया है, यू योर सेल्फ आइडेंटिफाई कि आपको समझ में आता है या नहीं. ऑलवेज साइन का खास ध्यान रखना है आपको. यहाँ पे एक्स क्यूब आया तो उसका साइन प्लस हो गया, देयरफॉर यहाँ पे जो प्लस साइन लिखा है, ये माइनस माइनस प्लस किया, बिगर नंबर का साइन है, माइनस फोर एक्स स्क्वायर है. यहाँ प्लस फाइव नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, यहाँ पे तीन टर्म है तो यहाँ पे भी तीन टर्म होने चाहिए, दैट्स इट. है ना सिंपल. अब अभी स्क्रीनशॉट ले लो अगर आप नहीं देखा है तो, और पॉज करके देख सकते हो आप. सो फाइनल आंसर मस्ट बी रिटर्न एज क्वेश्चन एंड रिमाइंडर. वन मोर लास्ट वन, सी एक्स फोर के बाद सीधा एक्स वाला टर्म दिया है, सो बीच में ज़ीरो एक्स क्यूब आएगा, ज़ीरो एक्स स्क्वायर भी आएगा. ओके, और यहाँ पे आपको ऑर्डर चेंज करना है. सी फर्स्ट ऑफ ऑल में लिखा गया माइनस एक्स स्क्वायर एंड देन प्लस टू लिखा, सो माइनस एक्स स्क्वायर को हम क्या मल्टीप्लाई करें तो एक्स रेस टू फोर आ सकता है, राइट? इसीलिए हमने क्वेश्चन में लिखा माइनस एक्स स्क्वायर. सो माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस एक्स स्क्वायर विच इज एक्स रेस टू फोर एंड देन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू टू विच इज माइनस टू एक्स स्क्वायर. साइन चेंज करना भूलना नहीं है, ये कैंसल, ये माइनस का प्लस हो गया और ये नीचे लिखा हमने, माइनस फाइव नीचे आया, सिक्स नीचे आया. ओके, माइनस टू से मल्टीप्लाई किया, सो टू एक्स स्क्वायर हो गया, कैंसल, माइनस फाइव एक्स एज इट इज, सिक्स प्लस फोर विच इज टेन. देखो पावर इसकी टू, इसकी पावर वन, देयरफॉर दिस इज अवर रिमाइंडर एंड दिस इज अवर क्वेश्चन. है ना सिंपल. सो इसी तरह मैं आपको कुछ एग्जाम्पल होमवर्क के लिए देता हूँ, ठीक है? और ये जो टेक्स्ट बुक का सम है वो डिफ़िकल्ट है, मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ. सी आपको यहाँ पे डिवाइज़र फाइंड करना है, बाकी सब दिया हुआ है. तो मैंने क्या क्या दिया हुआ है वो लिखा है, राइट? फिर हमने अप्लाई किया डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, राइट? वैल्यू पुट किए सबकी. अब क्या करना है, यहाँ पे ये जो रिमाइंडर वाला टर्म है माइनस टू एक्स प्लस फोर, उसको हमें अपोजिट साइड लेके जाना है, बिकॉज हमारा अल्टीमेट एम है जी ऑफ एक्स फाइंड करना. सो वो यहाँ पे रहेगा और इसको हम सामने ले गए, राइट? सो माइनस वाला ये प्लस हो गया और ये प्लस वाला माइनस. अब यहाँ पे लाइक टर्म का प्लस माइनस करना है. देखो एक्स और टू एक्स है तो हो गया थ्री एक्स, टू माइनस फोर है तो हो गया माइनस टू. ओके, और यहाँ पे क्या बचा, जीरो ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस टू. अब यहाँ पे ध्यान रखना है ये मल्टीप्लिकेशन है तो सामने डिवाइड में जाएगा, ठीक है? यहाँ इसको माइनस मत करना. सो अल्टीमेटली जी ऑफ एक्स इज नथिंग बट ये पूरा अपॉन एक्स माइनस टू. इसका मतलब हमें अब डिवीजन करना है. सो अब सिंपल हमने डिवीजन परफॉर्म किया है और उसका जो भी आंसर आएगा वो आपका हो जाएगा जी ऑफ एक्स. यहाँ पे याद रखना रिमाइंडर आपका ऑलवेज जीरो आएगा. ओके, जब हम डिवीजन फाइन करेंगे तब. सो चेक कर लो डिवीजन और फाइनल आपका आंसर होगा ये जी ऑफ एक्स. फिर से देख लो ऊपर से क्या क्या किया हमने. फॉर्मूला में वैल्यू पुट किया है, इसको सामने ले गए, प्लस माइनस किया, एक्स माइनस टू नीचे आया अपॉन में, और देन हमने डिवाइड किया सिंपल जिस तरीके से हम करते हैं. सो फाइनल आंसर आया जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन. ओके, फर्स्ट सी दिस वीडियो एंड देन कंप्लीट द सम विच आई गिव इन होमवर्क. थैंक यू.